हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वाली जो ये लुक है, बहुत ब्यूटीफुल से लुक, ये मैंने फ्री ऑनलाइन क्लास में कल करवाई थी और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैम हम देख नहीं पाए, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ उसका ट्यूटोरियल। और उससे पहले हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है ज़रूर चेक कर लें और उसको फॉलो भी कर लें। और अब हम मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये पूरी डिटेल नॉलेज जो थी मैंने फ्री ऑनलाइन क्लास में दी थी, एक एक चीज़ जो थी फ्री ऑनलाइन क्लास में लाइव दिखाई गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, पर कुछ स्टूडेंट्स का किसी रीज़न की वजह से लाइव सेशन देखना मिस हो गया, तो उनके लिए यहाँ पे मैं ये ट्यूटोरियल डाल रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हमने बिल्कुल एक सॉफ्ट सा ब्राउन कलर लिया है, रस्ट ब्राउन कलर, और उसके साथ हमने यहाँ पे पहले ब्लेंडिंग की है क्रीज लाइन पे, उसके बाद मैंने उससे थोड़ा सा डार्कर शेड लिया और मैंने उसके साथ थोड़ा सा और ब्लेंडिंग को इंटेंस किया है। लेकिन इस इंटेंसिटी को हम बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेकर जाएंगे, इसको हमने आउटर कॉर्नर पर ही रखा है। और ये जो कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो ब्राइड है उसका लहंगा जो है वो रेड कलर का है, और उसके साथ जो ये कलर स्कीम्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये हमारी न्यूट्रल कलर स्कीम्स हैं, जो मोनोक्रोमैटिक और एनालॉगस कलर स्कीम का मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, और एंड में जाके हम थोड़ा सा इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है वो भी लेकर आने वाले हैं। तो कलर स्कीम की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा जो नेक्स्ट कोर्स आ रहा है 20th November से हमारा कोर्स आ रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम पूरी डिटेल नॉलेज देते हैं स्किन की, कलर थ्योरी की, हर चीज की, और आपको पूरा एक प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट बना के भेजते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ग्लिटर लगाने वाले हैं। ग्लिटर लगाने के लिए मैंने 2 वे जेल लिया है और उसको मैंने इस तरीके से अप्लाई करके बाद में ऊपर जो मैंने ग्लिटर्स लगाए हैं, मैंने थोड़े से गोल्डन ग्लिटर्स लगाए नेक्स के, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉपर ग्लिटर भी मिक्स किया है। 2-3 ग्लिटर्स को मैंने मिक्स करके यहाँ पे लगाया है, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आ रहा है। आप चाहें तो सिंगल शेड भी लगा सकते हैं, पर ये कलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने किए हैं। और ग्लिटर्स में ना कई बार क्या होता है, आउटर कॉर्नर पे एक पैच सा बन जाता है, उसको सीमलेस करने के लिए एक डार्क कलर लिया है मैंने और उसको इस तरीके से डैब करते हुए मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, इसके साथ जो आपके ग्लिटर की लुक है बहुत अच्छी आएगी। फिर मैंने क्लिनिक का लाइनर लिया है, उसके साथ मैंने एक विंग लाइनर ड्रॉ किया है। विंग लाइनर की टेक्निक जो है मैंने स्टूडेंट्स को बहुत ही ईजी वे में बताई थी और स्टूडेंट्स को ये टेक्निक जो थी बहुत अच्छी लगी, और इसके साथ लाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके बाद मैंने स्किन को क्लियर किया है, और स्किन जो थी हमारी मॉडल की ऑयली थी और थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड थी नोज़ वाले एरिया से, और साथ में थोड़े एक्ने मार्क्स भी थे और पोर्स काफ़ी बड़े थे। तो यहाँ पे मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है बायोडर्मा का, और उसके बाद मैंने सारा प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छे से लगाने के बाद थोड़ा हाथ से टेस्ट किया कि उनके कहाँ पे प्रोडक्ट लग गया कहाँ पे नहीं लगा। तो जब मैंने लगाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा नोज़ एरिया पे जो स्किन है स्टिल थोड़ी सी ड्राई साइड पे है, तो मैंने हाइलुरोनिक एसिड लिया है ऑर्डिनरी का और उसको मैंने नोज़ के दोनों साइड पर इस तरीके से अच्छे से लगा दिया, और बाकी जगह पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे नीड नहीं थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्प्रे किया है, स्प्रे करने के मैंने रीजंस कल लाइव सेशन में बताए थे कि हम क्यों स्प्रे करते हैं, और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है मेकअप को ऑक्सीडाइज होने से बचाने का। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके और क्या रीजंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे स्मैश बॉक्स का लिप ऑयल यूज़ किया है, उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का जो मैट बेस वाला जो आता है प्राइमर वो मैंने लगाया है पोर फिलर, और उसको मैंने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे करेक्टर यूज कर रही हूँ। अगर आप करेक्टर का नाम अगर आप गेस कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने कौन सा करेक्टर यूज किया है, अदरवाइज आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कमेंट में आपको आंसर कर दूंगी कि मैंने कौन सा करेक्टर यूज किया है। करेक्टर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज किया है, मैंने फाउंडेशन और कंसीलर को मिक्स किया था। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पर मेंशन कर दूंगी कि मैंने कौन से फाउंडेशन और कौन सी कंसीलर को मिक्स किया था, ये यहाँ पे ऑयली स्किन पे बेस देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको सबको सेट कर दिया। अब जो मैं कंसीलर लगा रही हूँ ये अर्बन डिके का कंसीलर है, और ये थोड़ा सा मैंने एक शेड ही लाइटर कलर लिया है, बहुत ज़्यादा लाइटर कलर मैंने नहीं लिया है, उसको अप्लाई कर दिया मैंने अच्छे से। और अर्बन डिके का कंसीलर भी जो है वो ऑयली स्किन के लिए, स्पेशली जो ऑयली एंड डिहाइड्रेशन की कॉम्बिनेशन वाली स्किन होती है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसको मैंने अच्छे से छोटे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सेट किया है, या अगर आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर नहीं भी लेना चाहते तो थोड़ा सा नॉर्मल साइज का ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं जैसा कि मेरे हाथ में है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से स्प्रे किया है क्योंकि मेकअप जो है हमने उसको बहुत लंबे टाइम तक स्टे रखना होता है जब ब्राइड का मेकअप होता है, और ये जो है मेकअप को बहुत ज़्यादा सीमलेस भी कर देता है, मेकअप की स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब मैंने
एसी लॉडर का ये कंसीलर लिया है कॉन्टोरिंग करने के लिए, और इस तरीके से उसको डैब करते करते हुए स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने उसी बड़े ब्रश को स्क्वीज करके नोज़ पे भी सेम ब्रश के साथ ही काम कर दिया है। आप चाहें तो छोटा ब्रश भी ले सकते हैं। अब मैंने फैशन कलर का ये ब्लशर लिया है और उसको मैं इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको डैब करते करते उसको लगा रही हूँ। और अभी मेरी उसकी एप्लीकेशन हो चुकी है ब्लशर की, और जो ब्लशर का मैंने कलर लिया है, मैंने हल्का सा पीचिश पिंक कलर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब मैंने पाउडर लिया है, लूज़ पाउडर, और लूज़ पाउडर के साथ मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ को। अंडर आइज़ को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वेलवेट पप को होल्ड करने का भी एक तरीका होता है, और इसी तरीके से अगर हम होल्ड करते हैं तभी बहुत अच्छे से पाउडर सेट होता है। और यहाँ पे मैंने बेकिंग दी है, बेकिंग इसलिए दी है, एक तो इनकी स्किन थोड़ी ऑयली है, दूसरा क्या है कि जब ब्राइड का मेकअप हम करते हैं तो ब्राइड कभी भी इमोशनल हो सकती है, वो थोड़ा सा रो भी सकती है, तो उसका जो मेकअप है मेस्टअप नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बेकिंग दी है। और उसके बाद मैं ये टू फेस्ड का जो ब्रॉन्जर है वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने बेकिंग को डस्ट ऑफ किया है, डस्ट ऑफ करने के लिए मैंने मेकअप फॉरएवर का पाउडर लिया है, उसके साथ मैंने पाउडर टच करके और ये बेकिंग को डस्ट ऑफ किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अगर हम बेकिंग सही से नहीं करते तो मेकअप में फ्लैशबैक्स भी आ जाते हैं। और अब मैंने अंडर आइज पे काम करना स्टार्ट किया, सेम कलर्स मैंने जो मैंने अबव लिड पे यूज़ किए थे वही मैं सेम कलर्स जो हैं वो नीचे अप्लाई कर रही हूँ। और हम चाहते तो इस मेकअप को बिल्कुल सटल भी रख सकते थे, लेकिन मैंने वहाँ पे स्टूडेंट से पूछा था कि हमें सटल मेकअप में जाना चाहिए या फिर थोड़ा सा ग्रीन कलर का टच देना चाहिए, तो स्टूडेंट्स ने बोला था ग्रीन कलर करो, तो हम आगे ग्रीन कलर करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने पहले आईब्रोज़ कर लिए हैं, आईब्रोज़ इनके काफ़ी ही पतले आईब्रोज़ थे, तो मैंने फॉरएवर 52 का जो आई जेल होता है ब्राउ जेल, उसके साथ मैंने इनके ब्राउज़ को फिल किया है। और अब मैं अपर वाटर लाइन को फिल कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज़ जो बड़ी आँखें होती हैं वो थोड़ी खाली खाली सी लगती हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पेंसिल यूज़ कर रही हूँ रिकोड की पेंसिल है, काजल पेंसिल, और इसके बाद मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, काजल जो है फॉरएवर 52 का है जेल काजल, और मैं हमेशा ब्रश की बैक साइड यूज़ करती हूँ काजल फिल करने के लिए, इससे काजल बहुत इंटेंस होकर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है। काजल के बाद मैंने नीचे फॉरएवर 52 की ग्रीन कलर की, ग्रीन टर्कोइज ग्रीन से कलर की पेंसिल, तो बहुत ब्यूटीफुल सा कलर था, वो अप्लाई किया है। और इस कलर को ब्लेंड करने के लिए मैंने छोटा ब्रश लिया है और उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 से ही एक ग्रीन कलर लिया है जो डार्क ग्रीन कलर है, उसके साथ मैं इसको पेंसिल को सेट कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का फ्रॉस्टेड शेड लिया है और उसको मैंने फ्रंट पे इस तरीके से अप्लाई किया है। ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेप लगा, अगर आपको भी ये स्टेप अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताएं, ये हमारी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी थी, आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा के आईज़ बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद तो थोड़ा बहुत हमारा फॉल आउट होता है, तो साथ के साथ अगर हम फैन ब्रश के साथ उसको क्लीन कर देते हैं तो थोड़े बहुत जो फॉल आउट होते हैं इससे क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद मैंने लैशेज को अप्लाई किया, लैशेज लगाने की भी एक टेक्निक होती है जिससे कि आपकी लैशेज जो होती हैं फुल टाइम स्टे करती हैं और लगाने में दिक्कत नहीं आती। ये सारी चीज़ें हमने कल की जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑनलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन किया थी सारी चीज़ों को, बहुत सारी और भी नॉलेज दी थी। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो 16th of November को आएगा, उस दिन भी हम लोग फ्री ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं। अगर आपकी क्लास पिछली बार मिस हो गई थी तो उस दिन का आप अलार्म सेट कर लीजिए, डेट्स लिख लीजिए कहीं पे, और ज़रूर उस दिन आप हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी करते हैं, तो बहुत ही एक खास अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए ये। और अब मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई की है, लिपस्टिक का जो कलर है मॉर्फी का मैंने यूज़ किया था पेप टॉक शेड, अब मैं डियोर का यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रही हूँ और उसका जो शेड है वो कोरल नेम है इस शेड का। और ये डियोर का जो ब्लशर है बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे कि मैम हमें थोड़ा सा रीजनेबल ब्लश पैलेट भी बताएं, तो मैंने यहाँ पे पैक की ब्लशर के साथ भी उनको ब्लशर देके दिखाया था और इसके भी कलर्स बहुत अमेजिंग आते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते ब्लशर पे तो पैक की ब्लशर पैलेट भी आप ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो मस्कारा यूज़ किया है वो रिकोड का मस्कारा है और इसके मदद से मैं यहाँ पे दोनों लैशेस को कंबाइन कर रही हूँ। और लोअर लैश के लिए मेरे को पतले वॉन्ड वाला ब्रश मस्कारा चाहिए था, तो मैं क्लिनिक का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ।
लोअर लैश पे मस्कारा देने के बाद आईज की बहुत ही ज्यादा ग्रेस निकल के आई है और इनकी आंखें जो थी फार सेट आईज थी, दोनों आईज में गैप था। तो यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर पे बर्ड आई का थोड़ा इफेक्ट दे रही हूँ जिससे कि आंखें बहुत ज्यादा शार्प और ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब हाईलाइटर जो मैं दे रही हूँ, हाईलाइटर मैंने पहले थोड़ा सा ब्रॉन्ज ग्लो जो शेड है वो दिया है बॉबी ब्राउन का, और एक दूसरा हाईलाइटर मैं देने वाली हूँ वो बहुत ही प्यारा सा हाईलाइटर है, मैं बहुत जगह यूज करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा हाईलाइटर है। अब ये मैं अपना बड़ा फेवरेट हाईलाइटर लगा रही हूँ जो मैं अक्सर ही यूज़ करती हूँ, मुझे कमेंट करके बताएं कौन सा हाईलाइटर है। बहुत ही लग्जरी ब्रांड है ये, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, और थोड़ा ब्लशर से मिलता जुलता है तो इसके लिए मैंने बहुत सारे आपको हिंट दे दिए हैं। तो अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि मैंने कौन सा हाईलाइटर यूज़ किया जो सेकेंड वाला था। उसके बाद मैंने वापस स्प्रे कर दिया है, और आप मुझे क्या गेस करके बता सकते हैं मैंने टोटल कितनी बार स्प्रे किया यहाँ पे। और अब मैंने बहुत ही अच्छी टेक्निक की है अंडर आइज को डिफ्यूज करने के लिए, अंडर आइज के अंदर जो लाइंस आ जाती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। और इसके साथ देखिए हमारा मेकअप कितना फ्लॉलेस हो गया है। अब हमने ज्वेलरी डाली है, ज्वेलरी और आउटफिट जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, लक्ष्मी स्टोर में से है ये आउटफिट एंड ज्वेलरी। और अगर आप भी चाहते हैं अपना आउटफिट और ज्वेलरी बाय करना या फिर रेंट पे लेना तो लक्ष्मी स्टोर पे जाके आप कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी फाइनल लुक, आपको ये फाइनल लुक कैसी लगी, और नेक्स्ट जो फ्री ऑनलाइन क्लास है उसमें आप क्या सीखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।